तकरीबन कैसे हो आप सब लोग आई होप सब अच्छे ही होंगे आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये कंप्यूटर सीरीज का लेक्चर कर रहे हैं रहे है। हम लेक्चर नंबर सेवन रहेगा इसमें हम कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस कुछ करेंगे ठीक है तो हमने थ्री हंड्रेड क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी ये इसका सेकंड लेक्चर है हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी से क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज़ यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होती है उसमें कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है ठीक है ये है प्रो लॉग प्रोलॉग जो लैंग्वेज होती है वो इसमें यूज़ की जाती है ठीक है नेक्स्ट को क्वेश्चन है हमारे पास थर्टी टू हु कोइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है तो हु कोइंड ठीक है किसकी टर्म है ये इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी जॉन एम सी कैर्ती नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री डैश इज़ अ कंप्यूटरिचुअल मॉडल बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरोन नेटवर्क ठीक है तो हमें बताना है कि बायोलॉजिकल न्यूरोन नेटवर्क पर जो स्ट्रक्चर है ठीक है इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए आर्टिफिशियल न्यूरोन नेटवर्क ए एन एन ये इसका आंसर है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्टी फोर ये है हमारे पास ए न्यूरोन नेटवर्क इज सॉरी नेटवर्क इन विच द सिग्नल पास इन बन डायरेक्शन इज कॉल्ड ठीक है ओनली पॉन डायरेक्शन इज कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको उसको बोलते हैं फीड पावर न्यूरो नेटवर्क उसको बोलते हैं फीड पावर न्यूरो नेटवर्क नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास डैश इज अ आर्टिफिशियल न्यूरो नेटवर्क विच मल्टीप्लाई हिडन लेयर बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट लेयर्स ठीक है हमने बताना है कि मल्टीपल जो लेयर्स होती हैं उसमें बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट्स ठीक है उसको बोलते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क ठीक है डीप न्यूरल नेटवर्क नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्टी सिक्स द मोस्ट फेमस रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इज जो मोस्ट फेमस न्यूरल नेटवर्क है क्या नाम है रिकरेंट उसका क्या नाम है वो है होपफील्ड नेट होप नेट ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूरो नेटवर्क अलाउ फीडबैक सिग्नल कौन सा ऐसा न्यूरल नेटवर्क है जो अलाउ करता है फीडबैक सिग्नल को वो है रिकरेंट न्यूरो नेटवर्क नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर एप्लीकेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क ठीक है इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबो जितने भी हमें ऑप्शन दिए हैं ये सारे इसमें मैच करेंगे ठीक है ये सारे इसके आंसर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी नाइन विच एक्लोरिज्म इज यूज इन लेयर्ड फीड पावर्ड न्यूरल नेटवर्क कौन सा उसमें यूज किया जाता है लेयर्ड में एक्लोरिथम ठीक है इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए बैक प्रोपरी एगोरिथम ठीक है ये इसमें आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटी रेडल वेस्ट फंक्शन आर बी एफ नेटवर्क हैव डैश लेयर्स कितनी लेयर्स होती हैं उसमें उसमें होती हैं थ्री लेयर्स ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी वन द चिप यूज इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ ठीक है जो चिप यूज करते हैं कंप्यूटर वो किससे बनी होती है वो बनी होती है सिलिकॉन से नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी टू फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन जो फोर्थ कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से वो किस पे बेस्ड है वो है माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप वाज़ जो फर्स्ट कंप्यूटर की लैंग्वेज थी वो किसने बनवाई थी वो थी फोर्टन, ठीक है फोर्टन की थी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्टी फोर द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कैन परफॉर्म ऑल फोर अर्थमेटिकल ऑपरेशंस एडिंग सप्रेक्टिंग मल्टीप्लिकेशन डिवाइडिंग वाज एज क्या बोलते हैं उसको उसको बोलते हैं स्टेप रिकॉर्नर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाज जो फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है उसको क्या बोलते हैं वो है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज फोर जी एल ठीक है इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी पाबो बिल्डर फोर्टी सेवन क्वेश्चन है हमारे पास विड यू स्टैंड फॉर ू है उसको क्या उसकी प्रफॉप क्या है ठीक है इसका यह आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यह है विजुअल डिस्प्ले यूनिट ठीक है वी डी यू स्टैंड फॉर क्या है विजुअल डिस्प्ले यूनिट नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी एट विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम ठीक है ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है, ठीक है उसको कोई ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती वो है मशीन लैंग्वेज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्टी नाइन हॉर्थी डेवलप ए मशीन कार्ड जो उन्होंने मशीन बनाई थी उसको क्या बोला जाता है वो है टेबलिंग मशीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऐटोमेटिकली कंप्यूटर ई डी एस ए सी बाज इन्वेंटेड बाय किसने बनाया था ये इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी जॉन वन निमन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्टी वन ये क्वेश्चन एक बार रीड कर लेंगे विच रजिस्टर कैन इंटरेक्ट विद सेकेंडरी मेमरी इसका, register, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एम ए आर इसका जो आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टी टू विच फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू स्टोर डेटा इन रजिस्टर इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए डी फ्लिप फ्लॉप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है फिफ्टी थ्री आई एस पी स्टैंड फॉर इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी इंस्ट्रक्शंस सेट प्रोसेसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टी फोर द डिकोडिड इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन जो डिकोडिड इंस्ट्रक्शन होती हैं इज स्टोर्ड इन उसको क्या बोलते हैं ठीक है उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आई आर बोलते हैं उसको ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट एन इंटर पार्ट ऑफ कंप्यूटर ठीक है इंटरनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर नहीं होता यूपीएस जो है इंटर पार्ट ऑफ कंप्यूटर नहीं होता है ठीक है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्टी सिक्स द मोस्ट फ्रीकुंटली यूज इंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी विच फॉर डैश ठीक है ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज हो जो होता है इंस्ट्रक्शन का ठीक है कंप्यूटर में प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फिट फॉर्म डैश इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी कैश नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टी सेवन द प्राइमरी एम ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट द डेटा इंटू किस में कन्वर्ट करता है प्राइमरी एम क्या होता है कंप्यूटर का जो प्रोसेस करता है डेटा को किस में कन्वर्ट करता है वो करता है ऑप्शन नंबर डी इंफॉर्मेशन में वो क्या करता है कोई भी रॉ मटेरियल जो होता है उसको इन्फॉर्मेशन में क्या करता है कन्वर्ट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्टी एट मेन नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टी एट द मेन करिकुलम बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज ठीक है इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी मदर बोर्ड रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए आई यू एंड कंट्रोल यूनिट हैव स्पेशल पर्पस लोकेशन कार्ड डैश ठीक है इसको क्या बोलते हैं ये होता है रजिस्टर्स ठीक है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और हमारा जो क्वेश्चन है वो है द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सी पी यू मेमरी एंड पेरीफेरल इस कार्ड इज कॉल्ड अ डैश क्या बोलते हैं उसको वो आता है बसेस ऑप्शन नंबर सी ये इसका आंसर है ठीक है नेक्स्ट जो करेंगे हम सिक्सटी वन से क्वेश्चन करेंगे ठीक है तो आपको जो है तब तक ये पीछे रिपीट कीजिए क्वेश्चन हम ये थ्री हंड्रेड की क्वेश्चन की सीरीज़ करेंगे इसके बाद हम न्यू सीरीज शुरू करेंगे फाइव हंड्रेड क्वेश्चन कंप्यूटर की और जो जो भी क्वेश्चन है ये ये सबसे बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन है और आप ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में यूज़ कर सकते ठीक है हर एक एग्ज़ाम जो आपका क्लियर करवा देंगे कंप्यूटर सेक्शन का ठीक है थैंक यू सो मच